मजाक बना करके सारे झंझट की जड़ ये पटवारी है। तो उसने अगर एक 207 को, 210 को, 216 लिख दिया ना, ब्रह्मा भी आ जाएगा तो उसको चेंज नहीं कर पाता। और सारी बदमाशी आपके पटवारी करते रायपुर के, हमको नहीं मालूम है क्या आपकी पटवारी क्या क्या खेल खेलते हैं? पूरी बदमाशी का प्रॉब्लम ये पटवारी है। सबका रिकॉर्ड लीजिए और पूरा डिटेल एफिडेविट फाइल कीजिएगा। आई विल आस्क द कलेक्टर टू फाइल एफिडेविट। टेल मी यू वांट टू एफिडेविट और कलेक्टर रायपुर? आई विल कॉल, अदरवाइज आई विल कॉल द कलेक्टर एंड देन आई विल फॉरवर्ड इट कॉपी टू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। दिस गोइंग ऑन इन द स्टेट, पूरा लैंड माफिया पूरा जगह यही कार्यक्रम चल रहा है पूरे स्टेट में। क्या वो भी सर, इसमें हमारे खिलाफ 420 का ऑफेंस रजिस्टर कर दिया है। मैंने 2010 में एक लैंड खरीदी थी लाओ पी जी से, जिसको सब्सिक्वेंटली 2016 से 18 के बीच में डिफरेंट परचेजर्स को भेज दिया सर। अब मिस्टर टावरी जो 216 खसरा नंबर के ओनर हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ FIR करा दी है और लाहौटी जी के खिलाफ, अन्य के खिलाफ, ये कहते हुए कि हमारी जमीन जो है 216 उसको बेच दिया गया 210 खसरा नंबर की बजाय। यस, क्या भाई तहसीलदार साहब क्या बताइए? खसरा नंबर 210 जो है वो पटवारी हल्का नंबर मतलब चंगोरा भाटा में, भाटा गांव में आता है, लेकिन खसरा नंबर 216 जो है वो भाटा गांव हल्के में आता है। तो जो लाहौटी जी ने जो जमीन बेची थी और मोटवानी जी ने जो जमीन अन्य लोगों को बेची प्लॉटिंग करके, वो बेसिकली सर डीड में 210 नंबर का खसरा लिखा हुआ है। लेकिन सर वो जो मौका जब सीमांकन के लिए अप्लाई किया चैतन्य टावरी जी और उनकी फैमिली ने, ठीक है, 216 नंबर में सर बटांकन है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, उन बटांकन में सर चैतन्य टावरी और उनकी फैमिली वालों का नाम चढ़ा हुआ है रिकॉर्ड में। तो जब उन्होंने सीमांकन के लिए अप्लाई किया तो सीमांकन की रिपोर्ट में ये निकल करके आया कि सर वहां पर ऑलरेडी मकान बने हुए हैं और उन जिनके मकान बने हुए हैं उनकी सेल डीड देखने से पता चला कि वो खरीदे 210 नंबर का टुकड़ा है, लेकिन वो बैठे हैं 216 नंबर में जो कि चैतन्य टावरी के और उनकी फैमिली के नाम पर पे हैं। कैसे हो गया ये सर? सर मेरा एक सजेशन, यस परमिशन, यस मैंने सर 210 खरीदा है खसा नंबर और 210 सेल डीड है, 210 पे उन लोगों ने जिनने परचेज किया उनका नामांतरण है सर, उन लोगों ने भी सीमांकन कराया है, सीमांकन पे उनको उपस्थिति उन्होंने जाके चिन्हित किया कि ये हमारी जमीन है और उनका सीमांकन भी हुआ है सर। एक काम करो, पूरी 210 और 216 का रिकॉर्ड लेके आ जाओ, उसमें पूरी क्लियर हो जाएगी पिक्चर, ठीक हो जाएगा। यस यस तहसीलदार साहब, और 210 और 216 का दोनों का रिकॉर्ड लेके आइए और सारी प्रक्रिया में क्या क्या हुआ है उसका एक डिटेल एफिडेविट आप फाइल कर दीजिए। दैट मीन सर द पर्पस, उसमें क्लियरिटी आ जाएगी ना भाई। यस कि क्या चीजें है, असली गड़बड़ कहाँ हो रही है, लेकिन गड़बड़ आपके रिवेन्यू डिपार्टमेंट से तो नहीं है सर, हमारी साइड से उसमें गलत नहीं। नो पहले एंट्री करते थे, ये कितनी दूरी दोनों की चंगोरा भाटा और एक नाले का अंतर है सर? हाँ, नाले के एक तरफ चंगोरा भाटा आता है और नाले रायपुर में, रायपुर में और पार्टीशन लाइन जो है एक नाला है सिर्फ उसी की वजह से। ये नाला कब से बोला? काफी पुराना है। अरे तो हमको नहीं समझ में आता पेपर देख के, हमको ये काला अक्षर बहस हो रहा है, वो सब लाइन लाइन क्या की थी तो नहीं मालूम। हमारे खिलाफ सर इतनी एलिगेशन जो है, हाँ हाँ एलिगेशन हमारे का टावरी भी ना जो हमने 2010 में खरीदी आज 2023 में FIR करा दी है मेरे खिलाफ, जो आपके सामने नीतीश कुमार मोटवानी है, मेरे चाचा के खिलाफ, मेरे चाचा के खिलाफ भी FIR हो गई जो मृत हो चुके हैं 2017 में, कुछ कुछ जमीन उनके नाम से थी, जमीन थी। ये तो इन देखो क्या हुआ है मोटवानी जी, ये बिना मतलब वेरिफिकेशन के हुआ है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं आपको कि भाई आप इसमें दोनों जगह का रेवेन्यू रिकॉर्ड 25 साल 50 साल पुराना लिया, आप एफिडेविट फाइल कर देना उसमें क्या क्या देखिए, अगर इनकी जमीन अगर सही में है तो इनका केस ठीक है, गड़बड़ है तो ये बिल खारिज हो जाएगी, खत्म मत। हमारा केस सर इतना है कि हमने 210 खरीदी रजिस्टर्ड सेल डीड से, या तो आप भी बेवकूफ बने हो मतलब नहीं, एलिगेशन इस तरह से। अच्छा दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे को थोड़ा बोलने, नहीं नहीं सर मैं सर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या, मैंने किससे खरीदी? लाहौटी जी से। लाहौटी जी को सेशन कोर्ट ने बेल दे दिया सर, ये कहते हुए कि आप क्योंकि मोटवानी जी से ये गलती हो गई है कि उन्होंने टुकड़ों में क्यों बेचा, इसलिए हमारी बेल खारिज कर। नहीं वो तो गलत है, लाहौटी जी को बेल दे दिया, लाहौटी को बेल डिस्प्यूट नहीं करेगी, वाजपेयी जी भी डिस्प्यूट नहीं करेंगे, मैंने तो ऑर्डर लगाया उनका, yes, sir, ऑर्डर लगाया सर, yes, मैंने 210 का खसरा नंबर देख के खरीद लिया, मेरे नाम चढ़ गया, मैंने सब्सिक्वेंट एलिनेट कर दिया 210 के नाम से, जिन लोगों ने खरीदा उन लोगों के नाम से सेल डीड डिस्प्यूट हुई, उन लोगों ने अपना नाम चढ़वा दिया, नामांतरण करा दिया, उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड तो ये कहीं ना कहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गड़बड़ है, गड़बड़ तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और आप अपनी लिपापोती कर रहे हैं सब। आप तो तहसीलदार साहब पूरा 25 साल 30 साल पुराना रिकॉर्ड निकालो दोनों का, तब चीजें समझ में आएगी कि किसकी क्या है। आपने जमीन कब खरीदी थी मिस्टर ओडवानी? मैंने 2010 में की और 2012 में मेरा नामांतरण हो गया, 2010 और फिर नामांतरण भी हो गया, नामांतरण भी हो गया मेरा, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी को लॉर्ड शिप। इसमें डिस्प्यूट ये है कि 2010 में इन्होंने लाहौटी जी से खरीदी, प्रेजेंट एप्लीकेंट ने ओडवानी जी ने, और दो खसरा नंबर 210 टोटल स्क्वायर फीट था उसका 8,500 स्क्वायर फीट,
अब उसके बाद इन्होंने 2016 में प्रेजेंट एप्लीकेंट बेचना चालू की है 17 लोगों को। तो क्या दिक्कत है? 17,000 स्क्वायर फीट बेच दी जाए। 2016 में आज तक कोई सिविल सूट डिक्लेरेशन का नहीं लेके आए हैं, परमानेंट इंजंक्शन का नहीं लेके आए, पोजेशन का कोई सिविल सूट लेके नहीं आया। आम ट्विस्टिंग आजकल नहीं हो गई है सर कि 420 रजिस्टर कराओ फिर टकराओ से टेबल रिजॉल्व द इशू। ये आज अगर इनकी जमीन तो इनके नाम से चढ़ी हुई 2016 के कब से, विगत कई वर्षों से। और जो मैं नक्शा आपको दिखाना चाह रहा था उसका ऑब्जेक्ट ये था कि इनकी जमीन नाले के उस पार है, नाला बन गया, नाले में कुछ जमीन है इनकी चली गई, तो उसलिए कि अब यहाँ की जमीन को 210 की मिल जाए जो एडजेसेंट है। और जब सीमांकन हुआ है तो उन्होंने चांदा मुनारा न लेके 208-209 को मिला के 210 को उन्होंने चिन्हांकित किया। इसीलिए तो हम इसलिए तो रिव्यू रिकॉर्ड मंगा रहे हैं, इसीलिए मंगा रहे हैं। हम सच का जानना चाहते हैं कि सच क्या है, सच क्या है वो पूरे तहसीलदार। आज तक जो हमारे परचेजर हैं उन्होंने हमारी कोई कंप्लेंट नहीं करी है कि साहब मोटवानी जी ने वो जमीन दी। अरे मोटवानी तो देखिए इन्होंने पोजीशन सर 216 में दिला ना भाई, बोले तो पहले कि हमारी जमीन को इन्होंने कोई कब्जा कर रखा है। ऑल ऑफ सडन 2013 साल बाद आज ये एफआईआर हुई। आप एक काम करो तहसीलदार साहब, पूरा रिकॉर्ड लेके आइए और एफिडेविट फाइल कीजिए। एक्चुअल एफिडेविट आना चाहिए क्योंकि ये जो तमाशा हो रहा है रायपुर में, ये हर जगह हो रहा है और पूरा खेल के जिम्मेदार रहता है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और उसके बाद मैं इसमें कलेक्टर को इंक्वायरी करने का डायरेक्शन दूंगा और सारे फर्जीवाड़े को इसमें खिलावट क्लियर हो जाएगी, पूरी चीजें दूध की दूध और पानी की पानी हो जाएगी। जी सर हो जाना चाहिए। ये नहीं तो आज आपको बेल देंगे, चार साल चार बार फिर उठेंगे। ये समस्या तो एक नया इसको फुल गया है। अगर आपकी जमीन 216 में आ रही है तो 210 वाले को डिस्प्यूट क्यों खड़ा करोगे आप? सर मेरा ये तहसीलदार साहब आए सर, एक बता दें क्या जो लाहौटी जी ने बेचा 2210 का बेचा है, जो हमने बेचा है 210 बेचा है, जो आपने नामांकन किया 210 पे किया। और अब ये एरिया का नया डिस्प्यूट कर रहा है उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट आपके नो नो लेट देम तहसीलदार फाइल एफिडेविट कंप्लीटली की रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बता दीजिए। और आईओ साहब आप लोग थोड़ा देख दिखा के तो किया करो भाई, क्या 216 में देखा 210 वाले बैठ गए बैंकल रिपोर्ट में सर ये निकल कर गया, उसमें लिस्ट भी लिखा हुआ है कि सर वो बैंकल हुआ मौके पर सर खरीदा उन्होंने 210 का प्लाट है, इसमें कोई दो रह नहीं है सर, और 210 में ही नामांतरण हुआ है। लेकिन वो मौके पर जब जा रहे हैं तो वो 216 नंबर खसरे में आता है सर, जो कि चंगोरा भाटा में है। और वो तो कैसे होगा वो जमीन कैसे, तो आप जब डिमार्केट जब करते हो म्यूटेशन वगैरह करते हो या नाम चढ़ाते हो तो ये सब देखते नहीं कि जमीन में जाके स्थल निरीक्षण नहीं करते, म्यूटेशन की जरूरत नहीं है सर। उसमें सेलर और जो बायर रहते हैं जो शपथ पत्र है उस बेसिस पर सर म्यूटेशन हो जाता है। और तो उसके बाद हल्का पटवारी का सर जो रिपोर्ट रहता है तो, तो हल्का पटवारी मौके पे जाके नहीं देखता, क्यों नहीं देखेगा? वो अपने घर में बैठे बैठे कंप्यूटर निकाल लेते हैं नक्शा, और जो मैनुअल तो वहां जाके स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं करता है। क्या बात कर रहे हो, पटवारी तो अपने तस्वीर अपने घर से नहीं निकलते, वो क्या स्पॉट जाएंगे? हमको नहीं मालूम कि पटवारी क्या काम करता है। बुलाइए पटवारी को भी बुलाइए जो वहां का स्पॉट करता तब, अगर इनके खिलाफ होगा तो इनके रेवेन्यू ऑफिसर भी जाएंगे अंदर, तब जाएंगे आप, पूरी चीज एक से क्लियर होगी। पटवारी भी जाएगा और जो भी ऑफिसर ने जिसने भी म्यूटेशन किया सब अंदर होगा। मैं इसमें स्टेट को डायरेक्शन दे दूंगा टू कंडक्ट द इंक्वायरी अगेंस्ट ऑल द ऑफिसर्स। मजाक बना करके सारे झंझट की जड़ ये पटवारी है, उसने अगर 207 को 210 को 216 लिख दिया ना, ब्रह्मा भी आ जाएगा तो उसको चेंज नहीं कर पाता। और सारी बदमाशी आपके पटवारी करते रायपुर के, हमको नहीं मालूम है क्या आपकी पटवारी क्या क्या खेल खेलते हैं, पूरी बदमाशी का प्रॉब्लम ये पटवारी है। तब का रिकॉर्ड लिया और पूरा डिटेल एफिडेविट फाइल कीजिएगा। आई विल आस्क द कलेक्टर टू फाइल एफिडेविट, टेल मी यू वांट टू एफिडेविट और कलेक्टर रायपुर, आई विल कॉल अदरवाइज आई विल कॉल द कलेक्टर एंड देन आई विल फॉरवर्ड इट कॉपी टू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज गोइंग ऑन इन द स्टेट, पूरा लैंड माफिया पूरा जगह यही कार्यक्रम चल रहा है पूरे स्टेट में। आपकी लैंड कितनी मिस्टर पांडे, आपकी लैंड की 17,000 स्क्वायर फीट। आपको आपका रिप्लाई फाइल हो गया? यस सर। व्हाट यू हैव सेड इन योर रिप्लाई? इन रिप्लाई वी आई हैव स्पेसिफिकली मेंशनड दैट the total area which complainant is having is of 17,000 square feet, your lordship. They are having 8,000 square feet. They executed to you, mister. मतलब हमारा 8700 है, हमने 8700 को बेचा है, मैं document file कर। They executed sale deed of Khasra number 210, 210. Area कितना है? Area total जो है इनका 8,500 square feet का, लेकिन जो possession दिलाया, possession हमारी लैंड दिलाया। कैसे possession आपकी लैंड दिलाएगा? कैसे दिलाएगा ये बताओ? क्यों दिलाएगा possession? और आप कौन हो? Your Lordship, complainant है, हमारी जिनकी लैंड है 216 की मालिक आप हो? Yes, Your Lordship. तो दो जितने लोग को इन्होंने लैंड बेचा है 17 लोग को अगर टोटल कैलकुलेट करें तो 14,000 स्क्वायर फीट हो रहा है।
इंक्लूडिंग लैंड रास्ता को मिला दे तो 14,000 स्क्वायर फीट ये सेल कर रहे हैं। इनका टोटल रकबा ही 8,500 स्क्वायर फीट है, बेच रहे हैं 14,000 स्क्वायर फीट रोड को मिलाकर। क्या पानी वाली मिला के एक 3500 स्क्वायर फुट बेचा गया एक टुकड़ा, बाकी टुकड़े 5200 के बेचे गए, मेरे पास सेल लीड भी है, जितने वहां पे कब्जे में चले आ रहे। इनका भी एक बड़ा ट्विस्टिंग आर्गुमेंट कर रहे हैं। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जमीन मिला के मेरी जमीन से कब्जा कर लिया। आपकी जमीन पे 2012 से अगर 16 में मैंने बेचना चालू किया तो आपको आज तक पता ही चला कोई व्यक्ति आपकी जमीन पे आके बैठ गया। ये तो सर क्या हुआ कि जब इनकी नाले में जमीन चली गई और इनके जमीनों पे उन लोगों ने जो कब्जाधारी जो 210 वाले एडजेसेंट है, जैसे इनके एलिगेशन है, मैं तो वहां स्पॉट पे नहीं गया, तब ये 420 की एफआईआर करा रहे हैं हमारे खिलाफ। और आज ये पहली बार अच्छा आपकी 420 की लोकल स्टैंड क्या आपकी जमीन बेचा है, कहाँ बेचा है? योर लॉर्डशिप हमने सीमांकन रिपोर्ट सीमांकन आप ये बताओ आपकी जमीन अगर बेचा पेपर में बिका है क्या अवैध कब्जा? तो सुनो ना आप इंक्रोचर के लिए उसके लिए प्रोसीडिंग करो अपनी, आप अपनी उसमें लैंड रेवेन्यू कोर्ट में कुछ इंक्रोचर क्या होती है सेक्शन 250 में आप प्रोसीडिंग करो तो ये एफआईआर क्यों होगी इनके खिलाफ? और ये जो कंप्लेंट आपका आपको क्या प्रॉपर्टी उन्होंने चुराया वो तो हम पहले दिन से समझ गए थे। अरे आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपकी लैंड अगर इंक्रोच हो रही था अवैध कब्जे को तोड़ने की कार्रवाई कराओ। आपको इन्होंने क्या चिट किया? योर लॉर्डशिप इन्होंने ही तो सभी को सभी को बेचा है, वो तकलीफ में नहीं आ रहे कोर्ट में, वो नहीं आ रहे। हमने तो उनके खिलाफ उनके खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होता है, वो कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे, वो 420 क्यों नहीं लगा रहे? Why you have lodged the complaint against that person? Not against only this person, your lordship. We have given a complaint against all the persons. But the FIR which has been registered. अरे भाई जो जमीन में कब्जा कर रहा है, जो 10-14 लोग मकान बना के रह रहे हैं, उनके खिलाफ 420 का केस क्यों नहीं लगा? हमने तो सबके लिए कहाँ लिखा कंप्लेंट में बताइए, आपकी कंप्लेंट कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट है? थाने में दिया, थाने में थाना इसको रजिस्टर कर लिया। क्यों भाई क्यों रजिस्टर किया जब आपको समझ में नहीं आया कि जो बाकी जो परचेसर है उनके खिलाफ भी आपने क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया? अब इन्वेस्टिगेशन तो कितने दिन से इन्वेस्टिगेशन चलेगा आपका, कितने दिन चलेगा इन्वेस्टिगेशन? और क्या लग रहा है आपको इन्वेस्टिगेशन में? तूफान से समुद्र के गर्भ से निकाल के निकालना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन क्या किसको लेटर दिया आपने? रेवेन्यू क्या कर रहा है, कब दिया आपको लेटर? और ये जो बाकी 18 लोग परचेसर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? नहीं चलेगा मिस्टर थानेदार साहब, आप लोगों की होगी बदमाशियां बहुत, लिखना शुरू करूंगा मैं नए साल में, याद रखना पहला आप ही के साथ शुरुआत करूंगा। फर्जी वाला और ये जो है ना मसल पावर टसल पावर की एरा खत्म हो गई हिंदुस्तान से, कानून का राज रहता है देश में। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने, और क्या इन्वेस्टिगेशन किया आपने अभी तक, क्या किया उसमें, क्या करिए उसमें तो बैठ गए लिखे, क्या रेवेन्यू को लिखा है, रेवेन्यू में क्या किया, कब लिखा आपने बताइए? 11 को लिखे हैं सर। कितने दिन हो गया? पूरा एफिडेविट वाले करवाइए वाजपेयी जी सबसे, जबरदस्ती का तमाशा आप लोगों का। मिस्टर तहसीलदार पूरी डॉक्यूमेंट पूरे एफिडेविट फाइल करेंगे आप। और मिस्टर आप ये बाकी 18 लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? और ये कैसे इंक्रोचमेंट की परिभाषा में आप कैसे 420 आ गए? ना आपकी जमीन ले रहे ना जमीन, और जिसको बेचा उसने धोखा की दड़ी के लिखाया नहीं, आप अपने इंक्रोचर की परिभाषा के लिए अपना अलग कोई कर सकते थे, तो ये 420 क्यों रजिस्टर हो गई? अंडर व्हाट प्रोटेक्ट 420 हैज बीन रजिस्टर्ड? बिकॉज़ आपकी जमीन बेचने का कोई सबूत है क्या? नहीं, 17 लोग को इन्होंने बेचा, अरे 27,000 लोगों को बेच दिया, और सबके सब हमारे प्लॉट में, आपकी प्लॉट तो कब्जा किया उसके लिए आप इंक्रोचर की कार्रवाई करो, आप तोड़फोड़ करवाई करो, उसके लिए ये क्या करेगा, ये क्या करेगा ये बताओ? ये 420 कैसे हुई? 420 अरे आप ये तो हमको पहले बताओ, 420 आपने कैसे किया है? क्यों अट्रैक्ट होगा टोटल एरिया? अरे 8,900 के बदले इन्होंने 18,000 बेच दिया। आपकी जमीन बेचने का पेपर में कोई डॉक्यूमेंट है क्या? पहले हाँ या नहीं बताओ। ये नहीं है सर। फिर 420 के लिए क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए थे? फ्रॉडलेंट इंटेंशन। तो और अब और किस प्रॉपर्टी को उन्होंने आपकी बेचा है ये बता दो, हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कि आपकी प्रॉपर्टी को उन्होंने बेच दिया है। अगर उस बेची का सैलरी है यू आर 101% करेक्ट, कोई इशू नहीं है। पर ये अगर कोई आदमी इनकी जमीन में अवैध कब्जा कर लिया है तो हम उसको 420 की परिभाषा में कैसे लाके कन्विक्शन कर देंगे, आप ये हमको समझा दो। इतना कानून हमको बता दीजिए, इतना कानून हमको समझा दीजिए, 420 के आरोप में कहते उसको कर सकते, हम सब बात मान जाएंगे आपकी। और सीमांकन को 420 की परिभाषा में आ जाएगा? मिस्टर कौंसिल प्लीज टेल मी वेदर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ 420 इज अवेलेबल एट द मोमेंट और नॉट, यू टेल अस। योर लॉर्डशिप आई विल सी द कंप्लेंट। योर लॉर्डशिप कम, वी आर नॉट कंसर्न विद द कंप्लेंट, यू टेल अस व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स प्राइमा फेसी यू हैव सजेस्टेड टू अट्रैक्ट 420 ऑफ द आईपीसी, प्लीज टेल अस। लॉर्डशिप माय हंबल सबमिशन इज टोटल एरिया इज 8000 स्क्वायर, 28000 स्क्वायर फीट हो 420 के लिए मिस्टर, 420 के इंग्रेडिएंट्स क्या है ये बता दो। फ्रॉडलेंट इंटेंशन, कैसे फ्रॉडलेंट इंटेंशन है? बिकॉज योर लॉर्डशिप दे आर एग्जीक्यूटिंग सेंटेड, आई एम ग्रांटिंग बिल, खत्म। योर लॉर्डशिप द यस नो नो हो गया, लिखो
हमको आपसे सलाह लेके कोर्ट नहीं चलानी है. डोंट गिव एडवाइस टू द कोर्ट. प्लीज प्लीज डोंट एडवाइस द कोर्ट. वी आर नॉट योर सबॉर्डिनेट. किसमें एफ आई आर के बताइए. अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लोगों की है. पूरा रिवेन्यू डिपार्टमेंट के कारण हो रहा है सारे के. द होल थिंग इज मैस्ड बिकॉज ऑफ दिस रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट. द एप्लीकेंट अपीयरेंट इज अरेस्ट इन क्राइम नंबर 420 बिफोर द पुलिस स्टेशन रजिस्टर बिफोर द पुलिस स्टेशन दीनदयाल नगर ऑन 28/10/2023. द प्रोसिक्यूशन स्टोरी इन ब्रीफ इज दैट द एप्लीकेंट हैज फाइनल लॉन्च कंप्लेंट दैट that mainly containing that he is having a property at Changora Bhatta bearing Khasra number 216/2, 216/6, 216/5, 216/4, 216/3, 261/1 area 17,420 square feet. And the property, it is also the case of the prosecution that the property belongs to कन्हैयालाल मोटवानी, जगदीश मोटवानी, पुरुषोत्तम सोनी, सूरज शर्मा, पंकज लाहौटी एंड अदर पर्सन हैव इलीगली ट्रांसफर्ड देयर प्रॉपर्टी इन देयर नेम एंड आफ्टर टेकिंग इलीगल पोजीशन दे हैव सोल्ड द प्रॉपर्टी. देयरफॉर ही हैज फाइल्ड द कंप्लेंट एंड हैव लॉज द एफआईआर. द लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट वुड सबमिट दैट द आपने अन्य व्यक्तियों के विरोध में जो नाम तो नहीं लिख पाए जिसके नाम से प्रॉपर्टी परचेज की है. कंप्लेंट में हमने सारे लोग के यहाँ पे तो किसी का नाम नहीं दिख रहा है, अन्य व्यक्ति के नाम लिख रहा है बस. योर लॉर्डशिप एक 301 पेज देख लीजिए योर लॉर्डशिप, जो हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया है. यस वी विल टेक केयर ऑफ योर ऑब्जेक्शन आल्सो 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 वी डोंट वरी. यस यस वी विल टेक केयर योर ऑब्जेक्शन डोंट वरी. द लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट वुड सबमिट दैट द एप्लीकेंट हैज सोल्ड हैज परचेज दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम वन क्या नाम है उनका पंकज लाहौटी. And after that, he has sold this property to the person by distributing by giving Batankan to the land in the year 2000. He has purchased the property in the year 2010. Mutation has already been registered in his name in the year 2012. And thereafter, he has sold the property when? From 2016 to 2016-20. And to substantiate that, he would submit that the property have been sold, and thereafter the person who are owner of the property is in possession of the land. Still, they have been arrested as still the present applicant has been arrested accused. Therefore, he would submit that he may be released on bail. On the other hand, learned counsel for the objector would vehemently submit that the they have lodged the FIR against all the persons thereafter the police on the basis of their complaint only the FIR has been registered. So he would further submit that the person who complainant, the petitioner, has who is the owner of the property bearing Khasra number 210, situated at Bhatagao, and whereas the petitioner's land complainant objector's land belongs to bearing Khasra number 216, situated as Changora Bhatta, and the objector would further submit that the person who belongs to the person to whom the applicant has sold the property have encroached the land of the petitioner situated at Changora Bhatta belongs to the objector. As such, this encroachment has been done as the complainant, as the petitioner has sold the property through the registered sale deed of the land bearing Khasra number 210, but actual possession has been given to 216. And boundaries, your lordship. And boundaries. Boundaries में इन्होंने इनके boundaries में कहीं पर भी नाला नहीं था जो 2010 में खरीदे हैं. लेकिन जो sell किया था बाकी लोगों को उसके boundaries अगर देखेंगे उसमें नाला है your lordship. इसलिए 420 का. अच्छा. He would further submit that when the complainant, the applicant has sold the property to the registered sale deed wherein the Khasra wherein the boundaries of प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कंप्लेनेंट एज सच द ऑफेंस अंडर सेक्शन 420 इज मेड आउट एंड यू विल प्ले फॉर रिजेक्शन ऑफ द बेल पिटीशन.
the Learned Council for the State of opposes this ambition and in pursuance of the order passed by this court, the Tahsildar, क्या नाम है आपका? प्रवीण परमार है ना आपका? नरेंद्र साहू. मिस्टर नरेंद्र साहू हैज अपीयर. आईओ आईओ हैज अपीयर एंड द तहसीलदार मिस्टर परमार वुड सबमिट दैट द वेरिफिकेशन. आप किसके प्रेजेंस में वेरिफिकेशन किए थे? आप जब फिजिकल गए थे क्या वहां देखने? लैंड कुछ किए नहीं हो अभी तो? नहीं था. हाँ अभी वो एरिया मेरे अंडर में. अब आप क्या करोगे? सर जाके स्पॉट इंस्पेक्शन करना होगा और साथ में प्लॉट में एक्चुअल कंडीशन क्या है, क्योंकि जो सर वर्बल कम्युनिकेशन हुआ उसके थ्रू ये पता लगा कि प्लॉट नंबर 210 अभी भी वैकेंट है, खाली है सर, कुछ भी नहीं बना हुआ है. बट 216 नंबर का जो खसरा नंबर है सर उसमें मकान बन चुके हैं, छोटे छोटे मकान जिनको तो 210 भाई तो 210 को अगर बेच दिया है तो फिर 216 करे तो 216 के ऊपर कार्रवाई करोगे आप? इनके ऊपर क्यों करोगे? हमको ये चीज समझ नहीं आ रही अभी तक. 216 क्या किया? 210 वाले ने बेच दिया, अब 216 वाला जो परचेसर है उसमें आग लगा दे, इसके लिए ये जिम्मेदार रहेंगे क्या? इसी बात है इनके 420 का क्या कह सकते हैं आपको मतलब दिख रहा है? आई डोंट थिंक नो स्टेज ऑफ आपकी कौन सी प्रॉपर्टी को उन्होंने वो किया 401 पेज नंबर देखेंगे लॉर्डशिप, उसमें मैप है, इसमें कहीं पर भी ना. अरे मैप है, हमको क्या देखना है भाई 420 के इंग्रेडिएंट की? अरे वो सब तो सिविल का मैटर है, वहां जाके डिमार्केशन कराओ, वहां सब कुछ करवाओ. ये आम ट्विस्टिंग 420 की जो कंप्यूटर टर्नर ठीक नहीं है, हर वक्त 420 ठीक नहीं रखती. जहां जिसका पैसा मिलना चाहिए वहां हम खुद ही पैसा दिलवा देते. 420 में हाली को भी हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है देखा जाए, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इंग्रेडिएंट नहीं है 420 का. आपके जमीन का डिस्प्यूट है, वहाँ सिविल सूट में जाके इंजेक्शन करा लो, इंजेक्शन का लगवा लो, तोड़वा दो सब चीज़, कौन मना कर रहा है? यहाँ पे आपकी जमीन को कैसे, आपने कोई डॉक्यूमेंट बताया कि इसकी जमीन को कब्जा कर लिया है? इसको बेच देता तो बात बिल्कुल सही थी. 210 को बेच देता, आप ये बोलना चाह रहे हो कि 210 की जमीन दिखा के 216 को बेचा है? यस ये बोल रहे हैं ना? यस ये पर वो पेपर में कहाँ है सराउंडिंग जो उसकी? वो से नहीं, आप वो सब तो ट्रायल में होगा ना भाई, यहाँ कैसे होगा? आप उस चीज को बताओ. देखिए बेल में इतना सुनने का ऑब्जेक्टर को हमको जरूरत नहीं है. वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द फैक्चुअल मैट्रिक्स कि हमको कोई फैक्ट्स क्लियर होना चाहिए, देन ओनली आई पास द ऑर्डर. आई नो दैट 420 केस में इतना सुनने की हमको जरूरत नहीं है. हम जानबूझ के सुनते हैं कि कोई चेट कि केस के फैक्ट गड़बड़ ना हो रहा है. अब बताइए कैसे इंग्रेडिएंट पूरा हो रहा है इसमें? देखो भाई द ऑब्जेक्टर हैज वुड सबमिट दैट द सिंस ingredients of 420 is available, therefore the bail application can be rejected. I heard learned counsel for the petitioner and the objector and the revenue officer as well as the IO. Full stop. The learned counsel considering the fact that the accused has the complainant has not able to produce any sufficient material to record that in the manner in which the complainant has cheated. Or the ingredients of 420 which is required for attracting the prima facie attracting the offense is made out, even the there's a the dispute about the demarcation of the property or the person who have purchased the property has nowhere objected that they have been cheated by the present applicant by showing the property of khasra number 210 and by making registration of property bearing khasra number 210 and they have sold the property 216. Therefore, I am up to the view this is the fit case where the anticipatory bail should be granted accordingly allowed. Court allowed.